यश KGF चैप्टर 2 में रॉकी भाई के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। अपनी हिट फ्रेंचाइजी के सीक्वल की रिलीज से पहले अभिनेता साक्षात्कार और अन्य माध्यमों से इसे बढ़ावा देने में व्यस्त हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने वर्तमान में सबसे चर्चित 2 RRR और द कश्मीर फाइल्स को पकड़ा है, उन्होंने कहा कि नहीं। विवेक अग्निहोत्री की पोस्ट कोविड RRR और द कश्मीर फाइल्स 2 सबसे बड़ी फिल्में हैं। दोनों ही फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल, जहां कम बजट की एक्शन ड्रामा TKF ने 3 हफ्तों में लगभग 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, वहीं एपिक पीरियड ड्रामा अब वैश्विक स्तर पर 850 करोड़ रुपए को पार कर गया है। यश से हाल ही में पूछा गया था कि क्या उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर नवीनतम हिट फिल्में देखी हैं। रामचरण और जूनियर NTR अभिनीत SS राजामौली की RRR और अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और अन्य अभिनीत विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स। कन्नड़ सुपरस्टार ने जवाब दिया, मैंने RRR या द कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है। KGF के सभी प्रचारों के साथ मेरे पास इसे देखने का समय नहीं था। मैंने हाल ही में KGF की खोज की है। इसी बातचीत में यश ने बॉलीवुड बनाम क्षेत्रीय सिनेमा पर भी चर्चा की। KGF चैप्टर 2 स्टार ने कहा, बॉलीवुड बनाम क्षेत्रीय सिनेमा का तर्क पुराना है, दर्शकों का विकास हुआ है। मुझे इससे नफरत है जब लोग कहते हैं कि इसे डब किया गया है, इसका मतलब कम काम नहीं है। उन्होंने कहा, फिल्म की शूटिंग के बाद हम कन्नड़ में डब करते हैं। आज डबिंग में ज्यादा मेहनत लगती है। हम संवादों को स्थानीय संवेदनाओं के अनुकूल बनाते हैं। आखिरकार यह कई भाषाओं में एक भारतीय फिल्म है। आप अभी भी ऐसा क्यों सोच रहे हैं? KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन और प्रकाश राज भी अभिनय करते हैं। 14 अप्रैल 2022 को प्रशांत नील की फिल्म का मुकाबला शाहिद कपूर की जर्सी और थलपति विजय की बीस्ट से होगा। अधिक मनोरंजन समाचारों के लिए कोई मोई पर नजर रखें। मनोरंजन की नियमित खुराक के लिए इस स्थान पर नजर रखें। इस बीच कृपया टिप्पणी अनुभाग में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दें।